नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 14 फरवरी 2020 के लिए, 14 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जो है आप लोग को मिल जाएगा। और मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर का थ्रू में मैंने जो बाइसेल को बाइसेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स इंसर्ट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी NR4 NR7 और कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन ये सब देखा था, वो भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है और स्ट्रेटेजीज है, टेक्निक्स है जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ये बाइसेल लेवल में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप में जो ये पूरा मैंने फाइल शेयर करता हूँ, फिर सभी ग्रुप है उसके आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने के लिए लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फाइल में क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, हाउ टू स्क्रीन द फाइल एंड इसमें क्या क्या है, ये सब मोस्ट इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है, तो आप लोग इसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस करता हूँ। निफ्टी 50 अभी भी निफ्टी का अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है। आज ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है, इसका रेजिस्टेंस जो है, इसका जो कल मैंने बोला था इसका जो रेजिस्टेंस है 12,274, इसके बाद ही ये 12,300 तक जा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो अप ट्रेंड में ही था, अभी भी स्टील भी अप ट्रेंड में है। चार्ट का सेटअप जो है वो अप ट्रेंड में दिखा रहा है, तो देखता है कि ये लेकिन आज ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है तो हो सकता है फिर से और भी कंसोलिडेशन आएगा। उसको हम लोग को लेवल देख के पकड़ना है, लेवल देखना है कि कौन सा लेवल पे आके ये कैसा हो सकता है कि ऊपर आप में जाएगा कि या डाउन में जाएगा। मैंने तो लेवल बता दूंगा, फिर भी इधर भी मैंने कुछ लेवल ड्रॉ करके देखिए, इधर इसका जो ऊपर गया था, इधर अप ट्रेंड चालू होने के लिए इसका थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है। इधर से देखिए, इधर लगभग 12,033 के नीचे इसका डाउन ट्रेंड आ सकता है, उसके बाद 11,907 11,837 तक ही आ सकता है, और आप में इसका 12,275 में इसका रेजिस्टेंस है 12,000। उसके बाद ये 300 के ऊपर में इसका रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये ऊपर जा पाएगा। लेकिन 12,278 के नीचे के ये नीचे इसका सपोर्ट बनता है। इधर इस जगह पे ये रुक गया है, इस कैंडल पे, इसका ऊपर जाएगा तो इस इधर तक आ सकता है। लेकिन इस इधर से ये इससे इतना तक मतलब 12,167 इसके तक इतना तक ये रिटेस्ट हो सकता है। तो इसका नीचे अभी जो इस लेवल पे ये सपोर्ट लिया है, ये जो जेन देख रहा है अब इधर से इधर ये 12,278 से ये 12,200 तक जो रेजिस्टेंस जोन है इसका, जब इस इधर ये सपोर्ट ये ब्रेक करके थोड़ा सा ये इधर तक आया है, सपोर्ट लिया है 12,140 तक ये आया था। लेकिन इधर इसका ये जो लेवल ब्रेक करेगा 12,120 का जो लेवल ब्रेक करेगा तो ये इतना तक मतलब 12,985 तक आ सकता है। तो ऊपर जाने के लिए आप लोग को बोला कि 275 का ऊपर इसका 275-280 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है, फिर से 200-300 के आसपास जाके रुक सकता है, फिर से 300 ब्रेक करेगा तो ऊपर फिर से 350 तक जा सकता है, 350-400 के आसपास जा सकता है, उसके बाद 400 के ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। नीचे 12,120 में इसका सपोर्ट है, उसका लेवल ब्रेक करना चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं निफ्टी बैंक का, देखना पड़ेगा निफ्टी बैंक।
यानी मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का देखा देता हूँ आपका चार्ट की होता है। तो देखिए इधर निफ्टी बैंक का भी ये अप ट्रेंड में ही है, स्टील भी अप ट्रेंड है, थोड़ा सा डाउन में आने का आया है, लेकिन इसका फिर भी इसका मोमेंटम भी अप में है, लेकिन इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। और इधर जो इस ये ब्रेक होने के बाद ये अभी जो 198 में ये जो सपोर्ट है इसके ये लेने के बाद ये इस लेवल तक मतलब 30,890 तक ये आ सकता है नीचे, इसके बाद ये इधर सपोर्ट ले सकता है और ऊपर जाने के लिए इसको ऊपर जाने के लिए मोस्टली इसको इसमें जो जोन है इसके ऊपर जा सकता है, 32,000 के ऊपर ये जा सकता है, उसके बाद फिर से 32 के ऊपर 300 32,200 के आसपास जा सकता है, लेकिन इसका लेवल ब्रेक होना चाहिए। तो इसीलिए इसका फर्स्टली इधर 32,600 का लेवल इसका ब्रेक होना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है वो ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद 31,600 इसका 840 का ब्रेक होने के बाद ही ये ऊपर जा सकता है। और नीचे ये इस लेवल को ब्रेक करेगा मतलब 31,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये नीचे 31,830 तक आ सकता है, तो उसके बाद 30,620 तक आ सकता है। और ऑप्शन चेन में इसको देखूंगा तो निफ्टी का पहले मैंने 20 फरवरी का देखूंगा यार, इधर पीसीआर रेशियो इसका 1.01 है, पीसीआर रेशियो 1.01 है, और इधर 12,300 में सबसे ज़्यादा कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 12,300 में हुआ है, इधर लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और इधर आई बी भी गिर चुका है, इधर आई बी भी गिर चुका है, और इधर 12,100 में इसका लॉन्ग पुट साइड में 12,100 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इधर लॉन्ग बिल्डअप है, और इधर इधर आई बी थोड़ा सा सेम ही रह गया, काल का हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा सा अपसाइड में है, तो ये सब इंडिकेट करता है कि पुट साइड में इधर मतलब लॉन्ग बिल्डअप चलेगा और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप होगा, तो ये मार्केट निफ्टी को नीचे लाने का कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का इधर 20 फरवरी करना है, इधर 0.,, पीसीआर रेशियो इसका 0.65 के आसपास है, इधर 31,500 में कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और वो 31,000 में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और इधर कॉल साइड में आई भी गिर चुका है, लेकिन पुट साइड में आई भी ना अभी भी थोड़ा सा अपसाइड में है, तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे नीचे जा सकता है, नीचे आ सकता है। और इधर आप लोग प्रोबेबिलिटी भी दिखाता हूँ, प्रोबेबिलिटी भी दिखाता हूँ, इधर 12,300 में इसका जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और 12,100 का ऊपर जाने। हेलो, 1 मिनट आप लोग होल्ड, एक होल्ड करो ना, जस्ट जस्ट 2 मिनट होल्ड, जस्ट प्लीज होल्ड 2 मिनट, प्लस प्लीज होल्ड 2 मिनट, टू फॉर 2 मिनट्स। तो ये सब इंडिकेट कर रहा है कि ये देखिए प्रोबेबिलिटी जो दिखा रहा है, तो ये दिखाता है कि ये नीचे जाए, सॉरी ये निफ्टी का ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी 7 दिन का सबसे ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी का नीचे जाने का 7 दिन का सबसे नीचे जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। तो रात में आप लोग को बाई सेल लेवल भी, इसका लेवल भी आप लोग को दिखा दूंगा, बाई लेवल और सेल लेवल, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ बोलो।